प्रदेश में सरसों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। जिन इलाकों में सरसों की फसल ली जाती है, वहाँ मधुमक्खी पालकर किसान भाई अतिरिक्त आमदनी ले रहे हैं। जो अपने यहाँ ये सरसों का सहज निकलता है, इसकी विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और करीब हमारे देश का 90% शहद एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि ये क्या है कि हल्का सा जम जाता है, वाइट कलर का होता है, तो लोग इसको ब्रेड पे लगा के खाते हैं, इसलिए अपने विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इसकी। ये सारा जो शहद है जो सरसों से हमें प्राप्त होता है वह एक्सपोर्ट होता है। इसकी मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमें, क्योंकि सरसों से प्राप्त होने वाला, सरसों के फूल से प्राप्त होने वाला जो शहद है वो जम जाता है, उसकी जमने की प्रवृत्ति है, वह विदेशों में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हिंदुस्तान के अंदर जो एक्सपोर्टर्स हैं ये सारा इसको खरीद लेते हैं, हमारी एपरी पे आ जाते हैं वो, और एपरी पर आकर ही भावताव करते हैं, और भावताव करने के बाद में इसको ले जाते हैं। भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और कोटा जिलों में मधुमक्खी पालन व्यवसाय का रूप लेने लगा है। मैं मधुमक्खी पालन के लिए शहद निकालने की मशीन, छीलन ट्रे एवं स्टैंड, चाकू आदि का काम करता हूं। सर्दियों के टाइम में हमें कोई रोजगार नहीं था, अब ये मधुमक्खी पालन का काम चला है तो हमें रोजगार मिला है। इसके अलावा श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़, पाली, अजमेर, दौसा, टोंक, डूंगरपुर, झालावाड़ और जयपुर जिलों में भी मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। इसके लिए उद्यान विभाग द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी सहित बक्से अनुदान पर दिए जाते हैं।